जब वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही थी और उनके पास कोई सफाई नहीं था, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के हाथ में एक और हथियार दे दिया है। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में एक और सेल्फ गोल कर लिया है। यूएस में सैम पित्रोदा ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की नीतियों को फंड करने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स का उदाहरण दिया और यूएस के तर्ज पर उसके 45% इनहेरिटेंस टैक्स होने की बात कही। सैम पित्रोदा कौन है? सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हैं और राहुल गांधी के करीबी सलाहकार हैं। लंबे समय से सलाहकार रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी और मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी को भी सलाह किया था और भारत में टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी सहायता होती है। अगर हो सके तो हमें एक्स पर भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सैम पित्रोदा एक हाईली टेक्निकल इंसान है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और गांधी परिवार के करीबी भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी की नीतियों को फंड करने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स का एक उदाहरण दिया है। यूएस के तर्ज पर 45% इनहेरिटेंस टैक्स भारत में भी लगना चाहिए। ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? अगर किसी की मृत्यु होती है तो उससे उसके संपत्ति जो उसके बच्चों में बढ़ जाती है उसके ऊपर टैक्स। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चीज बिल्कुल अकल्पनीय है। आपको एक आसान उदाहरण समझाता हूं। अगर कोई किसान है जो जिसके पास 2 एकड़ जमीन है और उसके 2 बच्चे हैं, तो एक एक एकड़ जमीन दोनों बच्चों में बांट सकता है, जिससे उनका गुजारा चल जाएगा और किसान ने जो कमाई जिंदगी में जो कमाई होगी उसके उसके इंटरेस्ट से और जो थोड़ी बहुत खेती एक एक एकड़ जमीन पे कर सकते हैं किसान, उससे वो अपना काम चला सकते हैं। बट कांग्रेस पार्टी की इस नई स्कीम में एक एकड़ जमीन सीधा सरकार के पास चली जाएगी और दोनों भाइयों के पास, दोनों बच्चों के पास आधी आधी एकड़ जमीन बचेगी। अब आधी एकड़ जमीन में कोई किसान क्या खेती करेगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा और क्या परिवार को पालेगा? ये भारत की फैमिली स्ट्रक्चर पे एक बहुत जोरदार धक्का है और यकीन मानिए ये ऐसा कदम है जिससे भारत का एक बड़ा वर्ग जो गरीबी रेखा से जस्ट बाहर आया है वो वापस गरीबी रेखा के नीचे जा सकता है। भारत में ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी वर्ग नहीं होगा जो इस इनहेरिटेंस टैक्स का सपोर्ट करेगा और इस इनहेरिटेंस टैक्स के सपोर्ट में आएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने फिर ऐसा क्यों किया? अब वो पता नहीं, सैम पित्रोदा जैसे मैंने बताया वो टेक्निकल इंसान है, टेक्निकली उनसे सवाल पूछा गया होगा कि कांग्रेस अपनी नीतियों को फंड कैसे करेगी। उन्होंने उसका जवाब दे दिया होगा कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये चल रहा है, ये फंड किया होगा। पर ये बात तो पक्की है कि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे के कारण इस पे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी ने इस मुद्दे को भी पकड़ लिया है और इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे में कन्वर्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जगह जगह ये सफाई देते हुए घूम रही है कि वेल्थ टैक्स वो कैसे लगाएगी और ये इनहेरिटेंस टैक्स उसका प्लान है या नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यहाँ पर बैकफुट पे दिखाई दे रही है और जगह जगह सफाई देते हुए घूम रही है। वहीं बीजेपी पूरी तौर तरह से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और इसका जबरदस्त फायदा बीजेपी को और कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो सकता है इस चुनाव में। अब होगा कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, पर सैम पित्रोदा का ये बयान अवॉइड करना चाहिए था। अगर वो नहीं देते तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर रहता।